न्यूट्रिशंस जो है नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी चावल है ना, जो भी कुछ खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, ये एनर्जी देता है हमें, ठीक है। और प्रोटीन है, ये हमारे मसल्स, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स बनाता है। फैट जो है वो इंसुलेट करता है हमारी बॉडी को, चोट लगने से बचाता है ना, और सर्दी गर्मी से बचाता है। बात आ जाती है मिनरल्स की, अभी हम बात कर नहीं रहे हैं, वाटर की भी अभी हम बात कर नहीं रहे हैं, तो अब बात आ जाती है मिनरल की। मिनरल्स क्या काम करते हैं? मिनरल्स इन तीनों के काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो रेगुलेशन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर हिंदी में समझाना पड़े मुझे आपको कि विटामिन्स क्या काम करते हैं, नोट कर लीजिए विटामिन्स क्या काम करते हैं। विटामिन्स चार काम करते हैं, नोट कर लीजिए प्लीज, नोट करिए। अगर आप लिख रहे हैं तो जरूर लिखिए इस बात को कि विटामिन्स क्या काम करते हैं। एक तो विटामिन्स कार्बोनिक यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, क्या काम करते हैं? बनाना, बचाना, चलाना और मरम्मत करना। लिख लीजिए, बनाना, बचाना, चलाना और मरम्मत करना। बनाना मतलब आपकी बॉडी को बनाना, और ये चारों काम खुद नहीं करते हैं विटामिन्स, सिर्फ मदद करते हैं, ये मीडिएटर्स हैं, ये खुद काम नहीं करेंगे, ये काम करवाते हैं। किससे? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से। विटामिन्स के बारे में काफी कुछ मैंने इंक्लूड किया है आज के सेशन में, तो प्लीज थोड़ा सा देखिए, आपको पता लगे कि हमारा डेली विटामिन इतना बड़ा रोल आपकी लाइफ में प्ले करता है। बनाना, बचाना, चलाना और मरम्मत करना, आपके शरीर को बनाना, आपके शरीर के ऑर्गन्स को बनाना, उनको बचाना, टू प्रोटेक्ट देम, टू रन देम, चलाना, और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी मरम्मत करना, ठीक है। ये काम कौन करता है? ये काम करता है विटामिन्स। खुद करता है? बिल्कुल नहीं करता, ये दूसरों से करवाता है, ये सिर्फ मीडिएट करता है, ठीक है साहब। अब विटामिन्स की कमी से जो रोग हो जाते हैं, जो बीमारियां हो जाती है शरीर में, उनको क्या कहते हैं? डिफिशियंसीज कहते हैं। ये तो शायद मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते ही होंगे, उसको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड डिफिशियंसीज। ये देखो, ये मैंने लिखा भी है, टू मेक, टू प्रोटेक्ट, टू रिपेयर, जस्ट हेल्पिंग, ठीक है। बीमारियों के कारण नोट कर लीजिए सब एक बार। सबसे पहला कारण बीमारियों का जेनेटिक, जेनेटिक मतलब वंशानुगत। माँ को रोग है बेटे में आ गया, बाप को रोग है बेटा बेटी में आ गया, दादा को रोग है बेटा बेटी में आ गया, दादी को है बेटा बेटी में, पोता पोती में आ गया, नाना को है, नानी को है, इनमें से किसी को भी कोई भी रोग है वो औलाद में ट्रांसफर हो सकता है। नाना, नानी, दादा, दादी और माँ बाप, ठीक है। इनसे जेनेटिक रोग जो आते हैं, वंशानुगत रोग जो कहते हैं, एक तो ये बीमारी है, उसको भी ठीक करने के बारे में हम एक बार बात करेंगे, इसके ऊपर बड़ी स्टडी है मेरे पास में, मैं इसी चीज का स्पेशलिस्ट हूं। दूसरा हो गया एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा नोट कर लीजिए आप, एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी, एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से बाहरी क्या क्या है? जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, फंगस, है ना, या इसको सीधा सीधा ये लिखिए इन्फेक्शन, इन्फेक्शन लिख दीजिए आप, है ना, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन किसकी वजह से? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस या फंजाई, वॉर्म्स, है ना, ये चीजें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार पड़ता है। इसके अलावा ट्रोमा, चोट लगने से, जो हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ नस फट गई, ये ट्रोमा में आ जाएगा। तीसरी चीज लिख दीजिए आप, ट्रोमा जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार होता है, ठीक है। पांचवे पे आप नोट कर लीजिए, या चौथा है शायद, मेरे ख्याल से मैं भूल गया हूं ऑर्डर, जो भी है, टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या है? एल्कोहल यानी कि शराब पीने की वजह से लीवर खराब हो गया, टोबैको की वजह से कैंसर हो गया, ठीक है। अगला लिख लीजिए साहब आप, रेडिएशन, है ना, मोबाइल का रेडिएशन, बड़े जो है इलेक्ट्रिकल तारों का रेडिएशन, है ना, ये तो ये सब चीजें आ गई। पेस्टिसाइड्स भी इसमें आ जाएगा सर, टॉक्सिन्स में लिख दीजिए आप, पेस्टिसाइड्स और स्मॉक लिख दीजिए। लास्ट आप नोट कर लीजिए, जो मुझे याद आता है, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब
रहन सहन ठीक नहीं होना, जिसकी वजह से बीमारियों का होना। कौन सी बीमारियां आएगी इसमें लाइफ स्टाइल में? लाइफ स्टाइल में आ जाएगी डायबिटीज, मोटापा, ये सब चीजें। अच्छा, जब हम बात करते हैं डायबिटीज की, तो डायबिटीज तो वैसे भी मदर ऑफ द डिजीज है, तो मदर ऑफ द डिजीज है तो ये क्या काम करेगी? ये किडनी को खराब कर देगी। एक बार डायबिटीज हो गई तो किडनी ऑटोमेटिकली जो है वो खराब हो जाएगी। किडनी खराब होगी तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम भी हो जाएगी, नेफ्रोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाएगी, ठीक है। और ओबेसिटी अगर हो गई तो भी डायबिटीज हो जाएगी, और डायबिटीज हो गई तो फिर किडनी और हार्ट वैसे ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि साहब ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूं, मेरा काम है कि मैं आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाऊं, मेरा काम है कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं कि किस किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है। बीमार पड़ने के बाद तो हजारों हॉस्पिटल है आपके आसपास, कोई बढ़िया सा हॉस्पिटल देख करके जो है आप चले जाना, अच्छा हॉस्पिटल देख करके कहीं ट्रीटमेंट करा लेना, बट आपको बीमार होने से बचाना ये मेरा काम है, यही एनरोड्स होराइजन का काम है, यही हमारा मिशन है, ताकि आप बीमार नहीं पड़े, बहुत कम खर्चे पे आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल में नाक में नली डाल करके पैसा खर्च करना, जमीन बेच देना, लाखों रुपए खर्च करना, ये समझदारी नहीं, मजबूरी है, क्योंकि वहां तो आपको जिंदगी बचानी है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो कोई आदमी ये कहे कि कैंसर हो गया था और मैंने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो आप समझदार नहीं है। अगर आपने 3,000 रुपए खर्च किए और कैंसर नहीं होने दिया, तब मैं मानता हूं कि आप समझदार हैं। और हमारा काम आप लोगों को समझदार बनाना है, आपके परिवार में, आपके मित्रों में, और आप कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़े, ऐसा संकल्प लेकर के हम लोग उतरे हैं। ये हमारा मोटो है एनरूट्स होराइजन का। तो चीज क्लियर हो गई। अब बात आ जाती है डेली वाइटामिन्स की। व्हाट आर वाइटामिन्स? जैसे मैंने बताया कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेटाबॉलिक फंक्शंस में काम करते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या? बार बार सुनते होंगे, मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। नेटवर्कर एक चीज को पकड़ लेता है तो बड़े मजे से लोगों को बताता है, साहब ये मेटाबॉलिज्म को ठीक करता। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आप जो चीजें खाते हो उसमें से विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये चीजें उसमें मिलती है। इन चीजों को शरीर के बनाने, बचाने, चलाने और मरम्मत में काम में लेना, ठीक है साहब। इसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो क्या काम करते हैं विटामिन्स? विटामिन्स आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट कर। रेगुलेट का मतलब क्या? ज्यादा नहीं होने देते। रेगुलेट का मतलब क्या? कम नहीं होने देते। रेगुलेशन का मतलब क्या है? ठीक तरीके से अनुशासित रखते हैं। ये काम कौन करता है? विटामिन्स करते हैं। आहा, क्या गजब चीज है, क्या चीज बना दी, देखिए आप, है डेली विटामिन्स। तो ये गजब चीज जो है इस तरीके से। अब ये क्यों ले रहे हैं, लूट रहे हैं, एडरूट्स होराइजन पब्लिक को लूट रहा है, ये क्यों दे रहा है, क्या जरूरत है इसकी? महाराज, इसलिए जरूरत है क्योंकि आपका शरीर कोई विटामिन नहीं बनाता है, आपको ये बाहर से ही लेना पड़ेगा। हमसे ले लो या किसी केमिस्ट की दुकान से ले लो या किसी बड़े हॉस्पिटल से ले लो, विटामिन्स तो आपको बाहर से ही लेने पड़ेंगे। आपका शरीर विटामिन नहीं बनाता है, और जब आपका शरीर विटामिन्स नहीं बनाता है तो ये मेटाबॉलिक फंक्शंस रेगुलेटेड नहीं रहेंगे, ये गड़बड़ हो जाएंगे। गड़बड़ हो जाएंगे तो कभी यहाँ डेबरी निकल जाएगी, गड़बड़ हो जाएंगे तो मुंह में छाले हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा तो कैंसर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा तो बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा, वो कितने लाख रुपए का गड़बड़ हो जाएगा ये पता नहीं है। इसलिए हमने ये छोटा सा प्यारा सा स्प्रे जो है ये डेली विटामिन का हमने लॉन्च किया। कोई नहीं लूट रहे, बहुत आराम से कम पैसे में आपकी कमाई का साधन भी आपको दे रहे, आपके स्वास्थ्य का साधन भी हम आपको दे रहे हैं। हाँ जी।
आगे चलते हैं। विटामिन्स इन सिंपल वर्ड्स, ये आपके नॉर्मल सेल फंक्शंस के लिए जरूरी है। नॉर्मल सेल फंक्शंस क्या है? आपकी एक एक कोशिका के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, रिपेयर के लिए, हीलिंग के लिए जरूरी है, बोन और टिश्यूज के लिए जरूरी है, और कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है। कौन सी कोशिकाएं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी जरूरी है। जशन टू यू, जशन कोई साहब है या मैडम है, लिखा है सर इज स्प्रे इंक्रीज एटीपी नियर बॉडी। हाँ जी, आपने एटीपी कहीं सुना होगा, अच्छी बात है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है? इस लाइन को पढ़िए जसन जी, इस लाइन को पढ़िए। प्ले ए, कहां चला गया, ये रहा, प्ले ए मेजर रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर। क्या काम करता है? नॉर्मल सेल फंक्शन। एक कोशिका ये रही जसन जी आपकी कोशिका, ये कोशिका क्या करेगी? ये कोशिका बीच से टूटेगी। जब ये टूटेगी तो आधी कोशिका इधर रहेगी, आधी कोशिका इधर रहेगी। ये पावर लेग हो गया, ये वीकर लेग हो गया आपकी कोशिका का। दोनों कोशिकाएं पूर्ण कोशिकाएं बन जाएंगी, और जब ये टूटती हैं तब क्या पैदा होता है? एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एनर्जी, जिसकी वजह से आप बोलते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं, जिसकी वजह से आप चलते हैं, जिसकी वजह से पाचन होता है, जिसकी वजह से मुट्ठियां बंद होती है, जिसकी वजह से पलकें झपकती है, जिसकी वजह से हार्ट धक 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 करता है, सारा का ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एटीपी है। तो एटीपी का निर्माण क्या? विटामिंस के इनसे होता है। ठीक है साहब, योर बॉडी प्रोड्यूस विटामिंस? ना जी ना, हमारी बॉडी कोई विटामिन नहीं बनाता, ये सब बाहर से लेना पड़ता है। देखिए, आंखें खोलने वाला है आज का सेशन। अगर दत्तचित्त होकर के ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपको आज विटामिंस की समझ हो जाएगी कि विटामिंस क्यों जरूरी होता है ना। और देखना, मजा आता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बोरिंग वोरिंग सी कोई बात बताऊंगा मैं आपको, ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिससे चक्षु खुल जाएंगे आपके, है ना। क्यों लेना है, जरूरी है क्या, यही क्यों लेना है, सारे जवाब देंगे। थायमिन, थायमिन का मतलब क्या हो गया? विटामिन बी वन। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन की कमी से नोट करना शुरू करिए मोहनदा। जब हाथ कंप कंप आता है, विटामिन बी वन का नाम आता है। जब पैर कंप कपाते हैं, विटामिन बी वन का नाम आता है। जब शरीर कंप कपाता है, विटामिन बी वन का नाम, जल्दी से नोट कर लीजिए। जब दिल जल्दी जल्दी धड़कता है, दुख 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 होता है, हाँ, तब विटामिन बी वन का नाम याद आता है। जब चिड़चिड़ाहट बढ़ती है, डॉक्टर साहब इतना लंबा सेशन क्यों ले रहे हैं, क्या करूं, अपने बाल नोच दूं, तो विटामिन बी वन का नाम आता है। इसके अलावा एक बीमारी है जिसको बोलते हैं बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या है? बेरी बेरी में नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, है ना, वेट लॉस होने लगता है, कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, मोहनदा का नाम बार बार भूल जाता है, संजय दा के टांगों में फंसे हुए कुत्ते को भूल जाता है आदमी। तो क्या देना है? विटामिन बी वन। समझ में आ गई बात आपको? नींद नहीं आती है रातों में, ये तो प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम नहीं छे, विटामिन बी वन कम छे, है त्यारे शु करो, है विटामिन बी वन देवाई, है डेली विटामिन देवाई, शु करो, हाँ ये तो, ये बी वन जब कम हो जाता है तो ये सब होता। देखो यहाँ कुछ लिखा भी है हमने, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में ये देखो ये क्या काम करता है, जो केला खाया, जो सेव खाया, जो बाजरा खाया, जो चावल खाया, जो रोटी खाया, वट एवर यू एट, जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन भाई साहब करता है? विटामिन बी भाई साहब करता है। ये भाई साहब नहीं होगा तो क्या होगा? रोटी खाया, इधर गया, नीचे से निकल गया, फिर आप कहते हैं साहब हेल्थ नहीं बनती, एनर्जी नहीं है, थकान है, कॉन्स्टिपेशन रहता है,
सुबह सुबह लेटरिन जाने से डर लगता है, हार्ड मल आता है, इतना हार्ड आता है कि चीरते हुए निकलता है दीवारों को, तब डर लगता है अभी फिर चीरा लगेगा, फिर ब्लड आएगा, हे भगवान कोई बचा लो, बचा देगा भगवान, भगवान ने भेजा है डेली विटामिन खाओ, चीरा लगने से बचाओ, हाँ वो फाड़ देता दीवारों को, उसके लिए क्या करना है? ये ठीक, ब्रेन एक्शंस के लिए है ना, काम नर्व्स के लिए, हाँ, एकदम मस्त रहने के लिए क्या काम है? विटामिन B1 काम करता है। और क्या, 1897 में डच फिजिशियन आइजक मैन ने इसको जावा द्वीप में, मुर्गियां बीमार पड़ गई थी तो पता लगा ये कैसे ठीक होगी, तो बिना पॉलिश वाला चावल जब मुर्गियों को खिलाया था, मुर्गियां ठीक हो गई, उसके अंदर क्या था? विटामिन B1 था, और वहां से जो है इसको शोध किया गया था। आप जब कुकिंग करते हैं, जब बॉईल करते हैं, विटामिन B1 खत्म हो जाता है, कुछ भी कच्चा खाओगे विटामिन B1 मिलेगा, पका के खाओगे विटामिन B1 खत्म हो जाएगा, बेकिंग सोडा डालोगे विटामिन B1 खत्म हो जाएगा, अगर नहीं भी डालोगे एक कोक उठा के पी लोगे विटामिन B1 का सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा फिर ये स्टोर होता है? नहीं होता है। विटामिन B1 रोज चाहिए। आपने कल खाया था, सुसु किया ना, नमस्ते हो गया। आपने सुबह खाया, 4 बजे सुसु किया, आपका विटामिन B आपको सायोनारा बोल के चला गया, कल मिलेंगे, कल अगर आपने फिर स्प्रे मारा तो मिलेंगे, अगर स्प्रे नहीं मारा तो नहीं मिलेंगे, फिर क्या होगा? करेंगे, फिर क्या करेंगे? नींद नींद आएगी, उदासी उदासी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, सोने जाओगे तो हेलुसिनेशन होगा, नींद नहीं आएगी, विटामिन B1 की कमी साहब। दूसरा, प्याज खाया अगर आपने, प्याज में सल्फर होता है, प्याज विटामिन B1 का दुश्मन होता है, तो भी आपने B1 अगर खाया हुआ है तो उसको नमस्ते बोल देगा ये। इसके अलावा 2 बार अगर आपने कॉफी पी ली, विटामिन B1 आपके शरीर से चला गया, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, नमस्ते हो गया विटामिन B1। इसके अलावा एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, कोई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो, बिल्कुल मत पिया करो, थोड़ी सी भी पियोगे विटामिन B1 आपकी बॉडी में रुकेगा नहीं, तुरंत चला जाएगा। इसलिए क्या करना है? डेली विटामिन हाथ में रखना है, रोज सुबह फसड़ फसड़ करके 3 पंप मार लेने हैं, और विटामिन B1 आपकी बॉडी में अपडेटेड रहेगा। क्या गजब की चीज है, जिंदगी अगर सुखमय चाहते हो तो हाथ में डेली विटामिन का होना जरूरी है साहब। एक चीज हुई, सिग्नलिंग की प्रॉब्लम, नीचे कांटा चुभा आपको पता ही नहीं लगा, इसका मतलब क्या हो गया? विटामिन B1 कम है। आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, अभी तो खाली विटामिन B1 आया है। डिफिशियंसी, बेरी बेरी जो है रोग हो जाता है, ठीक है। वर्निकल्स और कोर्साकॉफ जो है, दो तरह की बीमारियां हो जाती है। क्या है? कोर्साकॉफ बाद की स्टेज है, और वर्निकल्स जो हैं वो, वर्निक्स जो हैं वो पहले की स्टेज। क्या है? डिजीज अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, इम्पेयरमेंट हो जाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जो देखते हो वो दिखता नहीं है, कांपता हुआ दिखता है, फोकस क्लियर नहीं होता है, मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई चीज फेंकता है आप कैच नहीं कर पाते हो, अगर किसी आदमी को आप देखो सुई में धागा नहीं डाल पाता है, विटामिन B1 की प्रॉब्लम। छोटी छोटी चीज, मजेदार चीजें इसके साथ में जुड़ी हुई है साहब। मैं एक बार, एक बंदा हट्टा कट्टा जवान बंदा, राजस्थान का लड़का, एथलीट रहा हुआ, एक दिन जो है वैसे सुई में धागा डाल रहा था, सुई में 25 बार कोशिश करी और बोला मेरी तो आंखें एकदम ठीक है सर, सुई में धागा नहीं डाल पा रहा हूं। राहुल मेहराणा कह रहे हैं सर प्लीज PPT हिंदी में भी शेयर करें, मैं बोल रहा हूं वो अंग्रेजी में थोड़ी बोल रहा हूं राहुल भाई, हाँ हिंदी में PPT कैसे बन जाएगी मुझे आप ये बात बताइए, मेडिकल साइंस हिंदी में कैसे होगा?
हाँ हिंदी में बनाने मुझे तो आता नहीं बनाना, कोई एक सेक्रेटरी रखना पड़ेगा फिर। हाँ इतने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए बना के ला रहे हैं, उसमें से भी एक वो सेठ जी थे और सेठानी थे, सेठानी ने खाना बनाया, बाजोट लगाया, सेठ जी को बैठाया, सेठ जी बैठे, सेठ जी को खाना पुरस के दिया, सेठ जी को खाना सेठानी खिला रही है, मुंह में डाला, सेठ जी खाना खाते खाते कर रहे हैं तो सेठानी ने कहा, पीसा मैंने, काटा मैंने, बनाया मैंने, परोसा मैंने, खिला मैं रही हूं, फिर भी टसके कर रही हो, क्या हो गया है? तो सेठ जी ने कहा, तुम्हारा बाप निगल कौन रहा है? यहां से नीचे तो मैं ही भेज रहा हूं, यह मेहनत तो मुझे करनी पड़ रही है। महाराणा साहब भी वही कर रहे हैं साहब, इतनी कोशिश करके बना करके जैसे भी लेके आ जाओ, थैंक यू बोलना तो दूर है, महाराणा साहब टसके और कर रहे हैं, बताओ आप। है B1 की कमी है, स्प्रे करो, है ना, B1 की कमी होने से भी आदमी डिमांडिंग ज्यादा हो जाता है। हाँ जी साहब, कॉर्साकॉफ डिजीज क्या हो जाएगी? परमानेंट हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कि ये बोतल है, ये बोतल जो है मुझे दूर से ऐसे ब्लर दिखाई देती है ना, ये ऐसे कांपती हुई दिखाई देती है, ऐसे ऐसे कभी सी ऐसे होती है, इसका मतलब क्या है? ये वर्निक्स की जो है ये बीमारी हो गई है। अगर विटामिन B1 टाइमली नहीं दिया गया, लंबे टाइम तक अगर ये रहा तो क्या हो जाएगा? फिर ये कोर्साकॉफ हो जाएगी, फिर उसको ट्रीटमेंट नहीं होता जिंदगी में कभी, ठीक है। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम ये होती है, और ये मेंटल डिक्लाइन होता, बुद्धि जो है वो समझ नहीं पाती है कि क्या चीज है ना, रस्सी लटक रही होती है, उसको रस्सी को सांप समझने लगता है ना, चीजें उल्टी उल्टी दिखाई दे। विटामिन B1 की इतनी बड़ी स्टडी है ना, विटामिन्स के ऊपर आप मुझे बोलेंगे मैं रात भर बात कर सकता हूँ, बहुत गजब है ना। अच्छा विटामिन्स को पूरा कोई नहीं समझ पाया आज तक, है ना, तो जितना हम जानते हैं उतना तो बात करें, फिर आगे देखते हैं। पेंटोथेनिक एसिड, ग्रीक वर्ड है पेंटो, पेंटो का मतलब होता हर जगह। दो चीजें नोट कर लीजिए पेंटो में, पेंटोथेनिक एसिड में, पेंटोथेनिक एसिड दो चीजें हैं, हर जगह हर समय, ठीक है, यानी कि ये आलू में भी है, ये प्याज में भी है, ये शकरकंद में भी है, ये चावल में भी है, ये दाल में भी, सब जगह पाया जाता है, लेकिन हर जगह रिक्वायर्ड है, बॉडी के हर भाग में इसकी जो है वो जरूरत है। हाँ जी, ये फैट को और कार्बोहाइड्रेट को, ये दोनों को तोड़ करके और एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स बनाता है, और कौन रेड ब्लड सेल बनाता है? B12 साइनोकोबलमिन, है ना, B5 और B12 दोनों जो हैं RBCs बनाते हैं। ये सेक्स और स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, लिख लो इसको। कोई भाई अगर ये कहता है कि मैं सेक्स परफॉर्म करना चाहता हूं, स्पर्म काउंट कम है, B5 कम है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, B5 कम है, वीर्य की मात्रा कम है, B5 कम है, सेक्स करने की इच्छा नहीं हो रही है, 45-50 साल के, 52 साल के हो गए हैं, सेक्स का मन नहीं करता है, B5 की कमी है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड्स में सेक्स रिलेटेड हार्मोन जो है, जवान लड़का है 30 साल का, दाढ़ी मूछे नहीं आई है, B5 की कमी है, ठीक है। ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, आपके शरीर को बाहरी आक्रमण से ये बचाता है, न्यूरल सिस्टम के लिए और ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जोरदार काम करता है, इसके नहीं होने से एलर्जी होती है शरीर में, इसके नहीं होने से एल्कोहलिज्म होता है, दारू पीने की इच्छा इसी की वजह से होती है, B5 जब आपकी बॉडी में होता है दारू पीने की इच्छा थोड़ी सी कम होती है, ऑटिज्म बाल्डनेस ये थोड़ा सा इसका रिलेशन जो है B7 के साथ भी है, B7 और B5 दोनों मिलके आपके बालों की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, ये दोनों जब नहीं होते हैं तो बाल चले जाते हैं, गंजापन होना शुरू होता है। पैरों में अगर कोई बोलता है, लिख लो इस बात को, फिर फोन करके पूछोगे, पैरों में या हाथों में ये जलता है ना, पैरों का तलवा जलता है,
जलता है बदन, है ना, पैर जलते हैं, साहब बहुत गर्म रहते हैं, पैर गर्म रहते हैं, तो ऐसे में क्या करना है, डेली विटामिन देना है। क्यों? B5 जो है बर्निंग सेंसेशन जो है कराता है, अगर बॉडी में नहीं होता है तो बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, पैरों में आग लगी है, बिल्कुल ऐसा फील करता है पेशेंट, आंखें आ जाती है, आंखों में जो है लाल लाल हो जाता, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, सेलियक डिजीज हो जाती है गेहूं खाने से, आटा वगैरह खाने से, मैदा खाने से, है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस का हो जाना, कन्वल्जन्स का आना, ऐसे तान आती है, है ना, वो शरीर का अकड़ जाना, ये किसकी वजह से होता है, B5 की वजह से होता है, ये इसमें काम करता है बहुत बढ़िया तरीके से, और बालों का रंग उड़ जाता है, सफेद होने लगते हैं बाल, उसमें भी ये काम करता है। फटीग और इरिटेबिलिटी होता, थकान होती है, डिस्टर्बेंस होता, स्लीप का डिस्टर्बेंस भी होता है, स्किन का कलर जो है गड़बड़ होता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी इसके साथ में जुड़े होते हैं। पाइरिडॉक्सिन B6 जहां तक मेरा ख्याल है, B6 जो है ये हेडमास्टर है, ये इसको आप लिख लीजिए, ये हेडमास्टर है। एक तो ये दारू पीने वाले लोगों में नहीं रहता शरीर में, एक तो बात आप नोट कर लो, ये रोज चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि आपने आज खा लिया तो कल भी रहेगा, रोज खाना पड़ता है, एवरी डे खाना पड़ता है, एवरी डे की रिक्वायरमेंट है, बचे रहना चाहते हो तो ये रोज लेना पड़ेगा। ये हेडमास्टर साहब है, किसमें देना होता है, नोट करना शुरू करिए, कागज कलम उठाइए, मुंह से बदबू आती है, पाइरिडॉक्सिन B6 की कमी है, क्या देना है, डेली विटामिन देना है। होठों के किनारे फटते हैं, दोनों तरफ यहां फटते हैं किनारे, तो क्या देना है, डेली विटामिन देना है, B6 की कमी है, ठीक है। इसके अलावा किडनी स्टोन फॉर्म हो रहा है, छोटा है किडनी स्टोन, अभी तुरंत डेली विटामिन देना शुरू कर देना है, वो किडनी स्टोन को रोक देगा, हो सकता है डिसॉल्व भी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। यात्रा में उल्टी होती है, पीछे वाली सीट पे बैठते हैं और वोमिटिंग होती है बार बार, तो क्या देना है, डेली विटामिन देना है, वो उस उल्टी को रोक देगा। भूत प्रेत बाधा, हमें तुम्हार रक्त पीवे, मोंजोली का, ये पाइरिडॉक्सिन B6 की कमी से होता है, कुछ का कुछ दिखता है, मेरा वो भगवान आ रहे, माता आ रही है, भूत आ गया है अंदर, छाड़वना सत्यानाष्टक कर देवो, ये ऐसा जो भी भूत प्रेत आता है B6 की कमी से आता है, इसको 3 महीने जो है दबा करके डेली विटामिन देना है। वैसे तो रोज ही खाना है डेली विटामिन को, वर्सेटाइल विटामिन है ये, हेडमास्टर है, खुद कुछ भी नहीं करता, ये विटामिन्स का विटामिन है B6, ये भाई ये ग्लास उठा के इधर से इधर नहीं रखता, ये सारे काम दूसरों से करवाता है, तो अगर ये नहीं है तो बाकी विटामिन्स भी काम नहीं करेंगे। आपकी बॉडी में जो HCL का प्रोडक्शन होता है वो विटामिन B6 करता है, अगर ये नहीं रहेगा, भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं पचेगा, आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है ना, जो बाहर से आने वाले वायरस से बैक्टीरिया से लड़ता है, ये भाई साहब है विटामिन B6, ये बनाता है, ठीक है। दूसरा विटामिन B12 जो आप लेते हैं, हमारा B12 का एब्जॉर्प्शन है तब तक नहीं होगा जब तक B6 नहीं होगा। B6 जो है, मैंने कहा ना, हेडमास्टर है, ये गेट में घुसने ही नहीं देगा B12 को, जितना बड़ा बादशाह है, लेट आया है लाइन में, लोगों मुर्गा बन जाओ, सर मैं B12 हूं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, B6 की परमिशन के बगैर आपकी बॉडी में जा ही नहीं सकता है। मैग्नीशियम का आपकी बॉडी में प्रोडक्शन करवाता है कौन, B6, तो इसका मतलब क्या है, B6 अगर आपकी बॉडी में है तो लेटरिन आराम से लगेगी, B6 अगर है तो मेंटल जो है रिटार्डेशन की शिकायत नहीं हो सकती है। और क्या बता दूं मैं आपको, नींद नहीं आना, सठिया जाना, टाइम से पहले खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगना, 40,000 रुपए का चेक आते ही जो है एकदम ऐसा समझने लगना मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया,
उसको बोलो कि ये डेली विटामिन खा, तेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी, है ना। कुछ का कुछ समझ नहीं लगता है आदमी, उसको विटामिन B6 की कमी होती है। एक और चीज होती है सेरिलिटी। सेरिलिटी तो वही हो गया, खुद को महात्मा समझने लगना, या भूत आ गया है, या मैं कोई फिलोसफर हो गया हूं, बाबा जी हो गया हूं, मैं कोई ज्ञानी पुरुष हो गया हूं, या इस तरह की बेवकूफाना हरकतें जो आदमी करता है, हमारे सामने आते ही पता लग जाता है कि इसको जो है डेली विटामिन दो, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, है ना। इसको कुछ नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं है, ये कोई बहुत महात्मा नहीं बन गया है, इसको साले को 8-10 दिन खिलाओगे डेली विटामिन, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या बता, पेशाब में जेंथ्योरिक एसिड आता है। जेंथ्योरिक एसिड जो है पेशाब में आता है, उसकी मात्रा जब कम होने लगती है तो समझ लीजिए कि ये डायबिटीज की तैयारी है, ये पायरिडॉक्सिन की कमी की वजह से होता है। तो पायरिडॉक्सिन जो है वो डायबिटीज को रोकने का काम भी करता है, बाकी जो है न्यूरोट्रांसमिशन वगैरह है। हाँ, इसके अलावा एक बहुत जबरदस्त काम विटामिन B6 करता है। क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ये ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस स्टोर्ड जो ग्लूकोज है जो स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन को जब आप फास्टिंग में होते हैं, रोजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो ग्लाइकोजेन को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, आपकी बॉडी को चलाता है। इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन, इसको नोट कर लीजिए आप, जीन एक्सप्रेशन। एक मिनट आप थोड़ा सा इधर देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, GOD, गॉड। एक थोड़ा सा और देखिए आप, DOG, डॉग। तीन तीन लेटर हैं, है ना, GOD। क्या हो गया, ऑर्डर बदल गया, आगे वाला पीछे चला गया, पीछे वाला आगे आ गया, सिर्फ एक परिवर्तन हुआ है, आगे वाले को पीछे भेज दिया, पीछे वाले को आगे ले आए। इस तरीके की गलतियां जब सेल अरेंजमेंट में होती है, जीन अरेंजमेंट में होती है, तो क्या हो जाता है, तो विकलांगता होती है। विकलांग उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। गॉड का डॉग हो जाना शरीर में गड़बड़ पैदा करता है। घंटी से देखो, ये घंटी है, ये देखो, ये है हिंदी में घंटी। क्या है, घंटी। सिर्फ ये ऊपर वाला बिंदी हटा दिया, क्या हो गया, घटी। मतलब हाथ से जो चक्की फेरते हैं, राजस्थानी लोग उसको घट्टी बोलते हैं, है ना। तो बिंदी हटा दिया तो घंटी घटी हो गया, यानी कि पूरा मीनिंग बदल गया। आपके शरीर में भी जो जीन्स हैं, वो जीन्स में जब छोटा सा परिवर्तन हो जाता है तो व्यक्ति विकलांग हो जाता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई बहरा, कोई गूंगा, कोई मंदबुद्धि, कोई विकलांग, ये सब चीजें किसकी वजह से होती है, जीन एक्सप्रेशन के गड़बड़ होने की वजह से होती है। डेली विटामिन्स रोज खाना चाहिए ताकि आपका जीन एक्सप्रेशन ठीक रहे, है ना। बाकी क्रॉन्स डिजीज वगैरह, डर्मेटाइटिस वगैरह, रूमेटिज्म वगैरह, B7 बेसिकली, अच्छा B7 बांझपन को ठीक करता है, इसको नोट कर लीजिए आप। महिलाओं के बच्चा पैदा नहीं होता है, पुरुष भी जो है बच्चा पैदा करने के लायक नहीं होते, बांझपन से लड़ने का काम करता है। हेलुसिनेशन, स्किजोफ्रेनिया, है ना, गुस्सा आना, एक दूसरे के ऊपर चीजें फेंकना, चप्पल फेंकना, रिंकल्स आना, और बालों के लिए जिम्मेदार होता है इनोसिटॉल। इनोसिटॉल ही भी बोलते हैं, बायोटीन भी बोलते हैं, B7 इसका नाम है। हाँ जी, साइकोटिक कंडीशंस में B7, दो तीन चीजें नोट कर लो आप, B7, बालों का झड़ना, झुर्रियों का पड़ना, सेक्स परफॉर्मेंस यानी कि बांझपन और नपुंसकता, और स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन का होना, गुस्सा ज्यादा आना, इन सब में कौन काम करता है, B7 काम करता है साहब। अब कहाँ आ जाएं हम, आगे चलें, आगे आगे आगे, और कौन है, डिफिशियंसी हो गया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सारी आ गई। फोलिक एसिड B9, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में, DNA को बनाने में, न्यूक्लियक एसिड के लिए जो है ये काम करता है, और DNA जिसको बोलते हैं डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA, है ना, इसमें भी न्यूक्लिक एसिड है, जो NA है उसके बनने में, न्यूक्लिक एसिड के बनने में B9 फॉलिक एसिड काम करता है। इसीलिए
गर्भवती माताओं के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है, ऐसे भी महिलाओं के लिए जो है अच्छा काम होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, आप जो प्रोटीन खाते हैं उसमें अमाइनो एसिड होता है या अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। आप जितना भी प्रोटीन खाते हो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B9 नहीं है तो ये आपका प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में एसिमिलेट नहीं होगा। ठीक है साहब, तो बच्चों के स्पाइन और ब्रेन के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड यानी कि B9 की जरूरत पड़ती है, इसके लिए डेली विटामिंस जरूरी है। और आगे चलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वैसे तो B12 से जुड़ा हुआ होता है ना, B12 जो है वो मेगालोब्लास्ट एनीमिया का। मेगालोब्लास्ट एनीमिया आपको याद है? नहीं याद होगा, मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। मेगा मतलब बड़ा, मेगा मतलब बड़ा, मेगालोब्लास्ट का मतलब होता है बड़े सेल्स का होना, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। तो खून की कमी कैसे हो जाएगी? रेड ब्लड सेल्स बड़ी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी तो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगी, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे तो आपके शरीर में पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, इस्कीमिया हो जाएगा, या उसको दूसरा और क्या बोलते हैं इस्कीमिया, और क्या बोलते हैं उसको, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपके शरीर में काला काला पड़ जाएगा, जगह जगह दाग, है ना, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं इसके नहीं होने से। ठीक है, इसके अलावा जो है हार्ट अटैक वगैरह से ये बचाता है, और क्रॉनिक इंसेनिटी यानी कि पुराना पागलपन अगर है तो उसमें भी ये काम करता है। इसके अलावा बच्चे पैदा करने में जो तकलीफ होती है उसको भी ये कम करता है। साइनोकोबलमिन B12, है ना, B12 1948 में डॉक्टर E.L. स्मिथ और डॉक्टर L.F. पार्कर ने ढूंढा था। डॉक्टर स्मिथ जो हैं वो ब्रिटेन के डॉक्टर थे पुराने, और ये USA के थे, डॉक्टर पार्कर USA के हुआ करते थे। इसके अलावा 1964 में नोबेल प्राइज विनर थे डॉक्टर हॉकिंस, हॉकिन या हॉकिन नाम था उनका, उन्होंने बताया था कि B12 आपकी बॉडी में कौन बनाता है, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है या फंगस है वही बनाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपकी बॉडी में गट फ्लोरा का होना जरूरी होता है। अदरवाइज फिर आप एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है B12 का स्प्रे ले लें या फिर डेली विटामिन ले लें, तो वो भी B12 जो है फिर ये क्या काम, इसको किससे खतरा है, आरओ का पानी अगर आप पीते हैं तो साइनोकोबालमिन में से कोबाल्ट जो है वो निकल जाता है। आरओ का पानी जो है अगर आप पीते हैं, कोई भी व्यक्ति आरओ का पानी पीता है उसको B12 जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पानी में B12 बिल्कुल भी नहीं है, कोबाल्ट उसके पानी में से रह गया है। SSG हॉस्पिटल की स्टडी हुई थी 160 लोगों की, उसमें यह बताया गया था कि आरओ का पानी जो है वो खतरनाक है और पानी में से कोबाल्ट को निकाल देता है, जिसकी वजह से B12 की कमी होती है। अब ये क्या काम करेगा, थकान, उबासी, उबासी आना, बार बार उबासी आना, है ना, उस पर काम करेगा। सुस्ती, कमजोरी, दिमाग की कमजोरी, दिमाग में आइडियाज का नहीं आना, और बार बार लोगों से मांगना, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये शिकायतें होती है। इसके अलावा ये DNA के ऊपर काम करता ही है, जैसा हमने B12 की स्टडी में हमने किया था। ये एपेटाइट्स के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर भी काम करता है, बेसिकली मेगालोब्लास्ट एनीमिया के ऊपर काम करता है, प्लस ये कंसंट्रेशन और उसके ऊपर भी काम करता है। मेगालोब्लास्ट एनीमिया का मैंने बता ही दिया आपको कि रेड ब्लड सेल्स बड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये उसको रोकेगा, मेमोरी लॉस को रोकेगा, विजन को ठीक करेगा, इनफर्टिलिटी को भी ये ठीक करता है, और पुअर रिफ्लेक्सेस जो है, पुअर रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है हाथ का ठीक से काम नहीं करना, वो जो सीढ़ी चढ़ता है तो गिर जाता है, क्योंकि सीढ़ी की जो लंबाई है ऊंचाई है वो उसको समझ में नहीं आती है। B12 की डिफिशियंसी होने से ये भी होता है, बॉल फेंको उसकी तरफ, हमारे पास जब पेशेंट आता है B12 की डिफिशियंसी, हम इसी तरीके से हम उठा करके कोई चीज फेंकते हैं उसकी तरफ,
अगर वो बंदा कैच कर लेता है तो समझ लीजिए B12 की डिफिशियंसी नहीं है, अगर वो कैच नहीं कर पाता है, ऐसे ऐसे करता है, वो बगल बगल में बॉल गिर जाती है तो B12 की, हम 25 बार फेंक करके देखते हैं, अगर 25 बार बंदा जो है कैच नहीं कर पाता है B12 की डिफिशियंसी है उसको, वेट लॉस भी कराता है, इनफर्टिलिटी भी इसी की वजह से होती है। K1 13 types ऑफ प्रोटीन होते हैं जो खून का थक्का बनाते हैं, उसमें से 4 के प्रोटीन जो है कौन बनाता है, अकेला विटामिन K1 बनाता है, बहुत जरूरी विटामिन है, उसको है ही में मत ले लेना, कैसा नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, डेली विटामिन क्या काम करता है, इतनी गलती मत करना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और स्प्रे है, इधर स्प्रे किया सीधा ब्लड में गया, 2-3 मिनट के अंदर काम चालू कर देगा, फास्ट रिजल्ट देने वाला जबरदस्त। एक तो ये मैंने पीछे पता नहीं क्या करके रखा, ब्लर हो जाता है पीछे का, तो ये भी ठीक से नहीं आता है ना, आपको दिखाई दे ही रहा होगा इसमें, तो ये जो है डेली विटामिन बहुत जबरदस्त काम करता। ये देखो ये प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन है जो ये बनाता है विटामिन K1, और ऑस्टियोकैल्सिन नाम का जो है ये बनाता है विटामिन K1, दोनों ही क्या काम करते हैं, ब्लड क्लोटिंग का काम तो कराता है प्रोथ्रोम्बिन, और ऑस्टियोकैल्सिन जो है वो दांतों को और हड्डियों को जो है आपस में जोड़े हुए रखता है, मसल्स के साथ जोड़ करके रखता है ये काम, बाकी क्लोटिंग वाला काम भी ये करता है ना, नोज ब्लीडिंग। अच्छा, आर्टरीज के अंदर जो ये होता आगे है शायद मेरे ख्याल से, देखिए डिफिशियंसी ऑफ के कहां चला गया, ब्लड लॉस हो जाएगा आर्टरीज के अंदर, वो जो प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, ये कैल्शियम वगैरह जो जम जाता है उसको जो है ये कैल्सिफिकेशन जो हो गया है आर्टरीज के अंदर उसको निकालता है ये, ठीक है, तो ये हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, प्लस अगर ये नहीं रहेगा तो महिलाओं में महावारी रुकेगी नहीं, ब्लड जो है जाता रहेगा, बहुत ब्लड अगर महिलाओं में निकलता है तो ये देना चाहिए, क्या देना चाहिए, डेली विटामिन्स आपको देना चाहिए, नाक से खून निकलता है तो इसको दिया जाना चाहिए। एक मैसेज आया पढ़ लेता हूं, आगे चलता हूं। MLM टू एवरीवन, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बारीकी से हम समझाने की कोशिश क्या की, समझा ही दिया मैंने, है ना, नोट करते रहिए बस खाली। विटामिन ए रेटिनोल, इसको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें रेटिना आता है, रेटिना कहाँ होता है, रेटिना कहाँ है, आंख में रेटिना होता है, यानी कि विटामिन ये सबसे पहले कहाँ काम करता है, रेटिना पे काम करता है, नॉर्मल विजन पे काम करता है, अगर रात को रतौंधी अगर हो जाती है, रात को कुछ दिखाई नहीं देता है तो विटामिन ए की कमी हो सकती है, वैसे ये कैंसर से प्रोटेक्ट भी करता है, रिप्रोडक्शन में काम करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करता है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी चीज है, हार्ट और लंग्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, जिद्दी कील और मुहासे, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, विटामिन ए के गुण इसमें समाए, त्वचा की रक्षा करे, क्या नाम इसका, डेली विटामिन्स ये जो है त्वचा की रक्षा भी करता है। अब ये कहाँ काम करता है, स्वाद सुगंध का राजा, बादशाह मसाला आपने सुना होगा, स्वाद सुगंध, स्वाद नहीं आ रहा है, खाना खाया भाभी जी पे बोधी पे चिल्ला रहे क्या खाना बनाती हो तुम आजकल, स्वाद नहीं आता है ना, सुगंध नहीं आ रही है, भाभी जी की कमी नहीं है, आपको डेली विटामिन खाना चाहिए, आपकी बॉडी में विटामिन ए कम हो गया, विटामिन ए कम हो जाता स्वाद नहीं आता, विटामिन ए कम हो जाता सुगंध नहीं आती, खाने को मन नहीं करता है, नपुंसकता और बांझपन इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, फेफड़ों में इन्फेक्शन से बचाता है विटामिन ए, कहाँ काम करता है, जहां जहां म्यूकस लाइनिंग है वहां काम करता है, देखते हैं म्यूकस लाइनिंग कहाँ कहाँ है, नाक में म्यूकस है काम करेगा, आंख में म्यूकस है, थ्रोट में म्यूकस है, फेफड़े में म्यूकस है, स्टमक में म्यूकस है, इंटेस्टाइन में म्यूकस है, जहां जहां लसलसा म्यूकस है वहां विटामिन ए काम करेगा, वहां छाले पड़ गए, अल्सर हो गया, कंजंक्टिवाइटिस हो गया, जो भी हो गया, जहां भी म्यूकस है बॉडी में, वहां जिस तरीके की भी बीमारी है वहां विटामिन ए बढ़िया तरीके से काम करता है। डॉक्टर एडली डेविस की एक स्टडी है, आप पढ़ेंगे नहीं मुझे पता है, अगर आप पढ़ लेंगे तो ये एक्नीज पर आधारित है, खाली मल्टी विटामिन या डेली विटामिन दे करके
खाली डेली विटामिन दे करके कील और मुहासों को रोका जा सकता है। इससे बढ़िया तो गजब चीज है, इसकी रेट बढ़ाने के लिए बोलना पड़ेगा, कम है इसकी कीमत। विटामिन ए, इम्यून सिस्टम, ये देखो ये प्लाक फॉर्मेशन वगैरह में जो है ये काम करते, ये कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को रोकता है, ये जो रक्त वाहिनियां जो है ब्लड वेजल्स में ये कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को रोकता है, तो हार्ट के लिए तो ये बढ़िया काम करता है। जिंक बेसिकली जो है बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है, डीएनए का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है, जेनेटिक मटेरियल्स जो है ये बनाता है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है। घाव अगर नहीं भरते हैं तो जिंक खाने से मुंह के छाले, गैस आई मीन स्टमक के छाले, अल्सर वल्सर वगैरह, एसोफेगस के छाले, सब जिंक खाने से ठीक हो जाते हैं। और डैमेज टिश्यू को ये रिपेयर कर देता है, मेटाबॉलिक फंक्शन को ठीक कर देता है। विटामिन डी थ्री क्या करता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ठीक करता है, मोटापा ठीक करता है, स्ट्रॉन्ग बोन के लिए जो है ये अच्छा काम करता ही है। और बाकी क्या बता दूं आपको, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। और क्या है, अल्फा कैल्सिडोल इसका नाम है, डी थ्री का, कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं इसको, डी टू को शायद कैल्सिफेरॉल बोलते होंगे। ये बोन्स के लिए जरूरी है, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है, एक सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर जो है वो इससे रुक जाता है, ब्रेन फंक्शंस के लिए जरूरी है, मूड के लिए अच्छा, मोटापे के लिए अच्छा है, मोटापा बढ़ रहा है, वजन ही पता लग रही है उसमें ठीक है, वेट लॉस अगर हो रहा है तो उसमें डी3 काम करेगा। रिमिटेड आर्थराइटिस, बिकॉज ये आर्थराइटिस इज एसोसिएटेड विद द कैल्शियम, और कैल्शियम एसोसिएटेड है विटामिन डी3, डी3 होगा तो कैल्शियम आएगा बॉडी में, कैल्शियम आएगा रिमिटेड आर्थराइटिस को ठीक करेगा। टाइप 2 डायबिटीज में भी विटामिन डी3 काम करता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, विटामिन सी को, तो इससे कौन सी बीमारी होती है नहीं होने की वजह से, स्कर्वी, मसूड़ों से खून आने वाला, एस्कॉर्बिक, एस्कर्वी है ना, स्कर्वी इसकी वजह से हो जाएगा। ये बड़ा भारी एंटीऑक्सीडेंट है ना, इम्यून सिस्टम को चट्टान की तरह बना देता है, और इसका बेसिक काम यही है, फ्री रेडिकल से लड़ता है ना, और नींबू में भरपूर मात्रा में होता है, बट बात वही है स्टोर नहीं होता, रोज खाना होता है, या तो रोज एक नींबू खाओ, मैंने पहले कितनी बार बोला है रोज एक नींबू खाओ है ना, बल्कि रोज जो है आप ये डेली विटामिन का स्प्रे हेल्दी लोगों को भी करना चाहिए, बीमारी होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, और ब्लड प्रेशर और गाउट का जो अटैक है गठिया वगैरह उसमें ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द सेशन, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड, यू ऑल आर वेरी गुड पीपल, थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली एंड पेशेंटली, उम्मीद है कि अगली बार आप लोगों से जल्दी मुलाकात हो।